हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर होम इन दीज डेज। चलिए आज हम हमारे एक नए टॉपिक की ओर डिस्कशन करते हैं, एक नई टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल्स, करेक्ट? तो क्लास टेंथ में या नाइन्थ में, किसी भी क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। बट टेंथ में जो पॉलिनोमियल है उसका कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोग अभी देखेंगे आगे बढ़ने से पहले। आइए देखते हैं डिटेल में कि पॉलिनोमियल है क्या और उसके कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लीज हैव अ लुक हियर। पॉलिनोमियल है क्या? सबसे पहले अगर हम देखें तो वी हैव अ डेफिनेशन दैट पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशियंट्स दैट इन्वॉल्व्स ओनली ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड non-negative integer exponents of variables. For example, देखिए 3y minus 5 is an example of polynomial. x square minus 4x plus 7 is an example of polynomial and so on. 4x plus 2 is an example of polynomial. यानी एक हिसाब से हमारे पास एक definition आया polynomial का कि polynomial एक algebraic expressions है जिसके पास constant भी होता है और जिसके पास वेरिएबल्स भी होता है। क्या है वो? पॉलिनोमियल इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इधर देखिएगा कि पॉलिनोमियल इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैज वेरिएबल्स कंटेनिंग होल नंबर एज पावर। यानी एक ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे जिसके पास वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल का अपना पावर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 8 इज अ पॉलिनोमियल। How? 8 can be represented that 8 is equal to 0 into x square plus 0 into x plus 8. यहाँ आप देखिए 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए वो 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0, 8. यानी 8 is an example of polynomial. तो हमने क्या कहा? हमने फिर से कहा एक बार आपको कि polynomial can have constant. देखिए, we have a constant out here. 3 is a constant. Variable. Y is a variable. And exponent. Exponent means this. The power is the exponents, right? But polynomial can have constant variables and exponent, but never division by a variable. एक चीज और है polynomial के बारे में, also polynomial के बारे में है, also they can have one or more terms, but not an infinite number of terms. अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि ये टर्म जो हमने कहा, ये टर्म्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, अगर ये एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, यानी ये जो आप प्लस देख रहे हैं और ये जो आप माइनस देख रहे हैं, ये दो जो साइन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन, इस साइन से जितने भी चीज़ जो अलग अलग हुए हैं, इसको हम लोग कहते हैं टर्म, इसको कहते हैं टर्म, इसको कहते हैं टर्म। यानी टर्म जो हो गया एक कॉम्बिनेशन हो गया वेरिएबल का और कांस्टेंट का। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? द फिक्स्ड वैल्यूज आर कांस्टेंट, करेक्ट? एंड वेरिएबल्स, यू नो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जी, दीज आर द वेरिएबल्स। एंड पावर किसको बोलते हैं? वेरिएबल के ऊपर में जो आपका एक्सपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड पावर। आगे देखिए, हमने क्या देखा वेरिएबल के बारे में? दैट वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी एक्स और पी वाई। इट मीन्स पॉलिनोमियल इन एक्स और पॉलिनोमियल इन वाई। यानी वेरिएबल को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इस पॉलिनोमियल को, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिएगा, वी कैन राइट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 7। वी कैन राइट द पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ वाई, बिकॉज इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक्स वेरिएबल ही हमें दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल इन x, इस पॉलिनोमियल को हमने यहाँ लिखा। अब आप नेक्स्ट देखिए, एक नया टर्म है हमारे पास, डिग्री। अगर हमको इस चैप्टर में आगे बढ़ना है, पॉलिनोमियल लेसन में अगर हमको ज़्यादा डिस्कशन करना है उससे रिलेटेड, लाइक वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वी हैव टू नो द डिवीजन एल्गोरिदम, राइट, रिलेशन बिटवीन द रूट्स, कोएफिशिएंट्स, वी हैव टू लुक ऑन ऑल दीज इश्यूज। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? डिग्री एक टर्म है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ पी एक्स यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज दैट? देखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स
is called degree of the polynomial. Correct. इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी polynomial हो गया, उस polynomial में जो आपका variable है, like अगर px है, right, तो polynomial in x, py है तो polynomial y, x और y जो भी variable है, variable में जो highest power है, right, उस highest power को हम लोग कहते हैं degree. और degree के dependency से हम polynomial को बहुत सारे category में divide कर सकते हैं. देखिए कौन कौन सा कैटेगरी जो हमको जनरली पढ़ना है. पहला हो गया, प्लीज हैव अ फोकस्ड आउट हियर, पहला हो गया लीनियर, दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक, तीसरा हो गया क्यूबिक, राइट, क्यूबिक, सॉरी क्यूबिक. सो लीनियर पॉलीनोमियल किसे कहेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल हैव अ डिग्री वन, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हैव डिग्री टू, क्यूबिक पॉलीनोमियल हैव डिग्री थ्री. यानी हाईएस्ट पावर लीनियर पॉलीनोमियल का वन होगा वेरिएबल का, और क्वाड्रेटिक में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर टू होगा, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर थ्री होगा. कुछ एग्जांपल्स देखिए आप यहाँ पे, टू एक्स माइनस थ्री, रूट ओवर थ्री एक्स प्लस फाइव, वाई प्लस रूट टू, टू बाई थ्री यू प्लस वन. दीज आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल दैट हैव अ डिग्री वन. क्वाड्रेटिक में देखिएगा, सेम हमने एग्जांपल दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन, y square minus 2, 5 minus x square minus root 3x and so on. इसी हिसाब से हमने क्यूबिक में एग्जाम्पल दिया, देखिएगा हाइएस्ट पावर क्या है हमारा, 3 है, 2 minus x cube. फिर देखिए आप y cube, 3z power 3 plus z square minus 5z plus 1. This is an example of cubic polynomial. Same यहाँ पे भी. अब हम देखते हैं ये जो हमारा polynomials था ये अलग अलग फॉर्म में था, राइट. अब हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे. अगर मान लीजिए, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए अगर हाईएस्ट पावर अगर 4 हुआ, यानी अगर डिग्री हमारा 4 हुआ, तब हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, राइट. फॉर एग्जांपल आप देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का होगा एक्स 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ by quadratic polynomial जो हम लोग पढ़ेंगे, हमें जब जरूरत पड़ेगा तब. हम एक चीज यहां पे देखने में फोकस्ड है भी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, करेक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमेशा ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा, जहां ए और बी रियल नंबर होगा, ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो. अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन. बहुत सारे फॉर्म में हम लिखे हैं, लेकिन इसका जनरल फॉर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो. सेम क्यूबिक पॉलीनोमियल में आप देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स, ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो. याद रखिएगा ये जितने भी फॉर्म्स हमने आपको अभी डिस्कस किया आपके साथ, ए बी सी, ए एक्स प्लस बी या ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब, ये तीनों के बारे, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, ए बी सी जो है वो कॉन्स्टेंट है, राइट. और जो ऊपर में वेरिएबल के ऊपर में जो हमारा जो पावर है उसे हम कहते हैं डिग्री. क्लियर है, आई होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, लाइक वैल्यूज ऑफ द पॉलीनोमियल एंड जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल के बारे में. ओके, थैंक यू वेरी मच. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.